एक बार की बात है, एक गरीब लड़की जिसका नाम मनाली था, वह एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन खेत बहुत उपजाऊ नहीं था और वे अक्सर किसी तरह का गुजारा करते थे। मनाली एक बुद्धिमान और जिज्ञासु लड़की थी। वह अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानना पसंद करती थी। मनाली एक वैज्ञानिक बनने का सपना देखती थी, लेकिन वह जानती थी कि अपने परिवार की वित्तीय स्थिति के कारण उसे अपना लक्ष्य हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। एक दिन मनाली के पिता बीमार पड़ गए। वह काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आय और भी कम हो गई। मनाली को अपने परिवार की मदद करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। मनाली ने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने घरों की सफाई और खेतों में काम करने जैसे अजीब अजीब काम किए। उसने स्थानीय बाजार में सब्जियां बेचना भी शुरू किया। अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद मनाली ने वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। वह देर रात तक पढ़ाई करती थी और स्थानीय पुस्तकालय से किताब उधार ले आती थी। उसने घर पर भी अपने स्वयं के प्रयोग करना शुरू कर दिया। कई सालों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बाद मनाली ने आखिरकार अपने सपने को हासिल कर लिया। वह विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और वैज्ञानिक बन गई। मनाली ने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मनाली की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि अगर हम अपने दिमाग में रखते हैं और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ते, तो कुछ भी संभव है। यह भी दिखाता है कि हमारे जुनून का पालन करना महत्वपूर्ण है, भले ही वह मुश्किल हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मनाली की कहानी से आपको एक प्रेरणा अवश्य मिली होगी और आप जो भी सपना देख रहे हैं उसको पूरा करके ही दम लेंगे। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।